नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादक और उस पत्र पत्रिकाओं के शन और ईश्वी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। बंगाल गजट यह पत्रिका है, 1780 ईस्वी, संपादक जेम्स ऑगस्टन हैं और विशेष यह भारत का प्रथम समाचार पत्र है। कलकत्ता से यह प्रकाशित हुआ। अगला देखेंगे उदंड मार्तंड 1826 ईस्वी, 30 मई को, पंडित जुगल किशोर पांडे। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 1829 ईस्वी, बंगदूत राजा राम मोहन राय। एक साथ चार भाषाओं बंगला, हिंदी, उर्दू और बनारसी में छापे जाने वाला पत्र। 1849 ईस्वी, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी के से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र। 1854 ईस्वी, समाचार सुधा वर्षन कलकत्ता, श्याम सुंदर सेन, प्रथम हिंदी दैनिक पत्र। 1855 प्रजा हितैषी आगरा राजा लक्ष्मण सिंह। 1865 तत्व बोधिनी पत्रिका बरेली गुलाब शंकर मासिक। 1867 वृतांत विलास जम्बू मासिक पत्रिका। 1867 15 अगस्त कवि वचन सुधा काशी भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक। 1873 हरिश्चंद्र मैगनीज हरिश्चंद्र पत्रिका बनारस भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1874 बाल बोधनी बनारस भारतेंदु हरिश्चंद्र, केवल महिलाओं के लिए मासिक पत्रिका। 1874 सुदर्शन दिल्ली लाला श्रीनिवास दास साप्ताहिक। 1877 हिंदी प्रदीप इलाहाबाद बालकृष्ण भट्ट मासिक। 1877 भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त। 1880 ब्राह्मण कानपुर प्रताप नारायण मिश्र मासिक। 1881 आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन मासिक। 1883 भारतेंदु वृंदावन राधा चरण गोस्वामी। 1883 द्वंद लाहौर अंबिका दत्त व्यास मासिक। 1885 भारतोदय कानपुर सीता राम शर्मा दूसरा हिंदी दैनिक। अगला 1886 अखबार चुनार बाल मुकुंद गुप्त उर्दू का पत्र। 1888 कोहिनूर लाहौर बाल मुकुंद गुप्त उर्दू का पत्र। 1893 नागरी नीरद मिर्जापुर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन साप्ताहिक। 1896 नागरी प्रचारणी पत्रिका काशी श्याम सुंदर दास राम नारायण मिश्र शिव कुमार सिंह त्रैमासिक। 1898 उपन्यास काशी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी मासिक। 1900 सरस्वती इलाहाबाद प्रारंभ में काशी श्याम सुंदर दास और चार अन्य 1900 से 1903 महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 पंडित देवी दत्त शुक्ल। 1920 से 1947 का प्रकाशन काल। 1900 से 1942 यह मासिक पत्रिका है। 1900 सुदर्शन काशी देवकी नंदन खत्री मासिक। सुदर्शन के संपादक थे वे देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र थे। ये मासिक पत्रिका थी। 1902 ईस्वी समालोचन जयपुर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1907 अभ्युदय प्रयाग मदन मोहन मालवीय साप्ताहिक। 1909 हिंदू वाराणसी अंबिका प्रसाद गुप्त रूप नारायण पांडे मासिक जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय। 1910-1920-23 मर्यादा वाराणसी कृष्णकांत मालवीय पद्मकांत मालवीय लक्ष्मीधर वाजपेयी मासिक पत्रिका। 1913 प्रताप कानपुर।
गणेश शंकर विद्यार्थी साप्ताहिक पत्रिका 1913 प्रभा खंडवा कानपुर, कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन माखनलाल चतुर्वेदी मासिक पत्रिका 1916 श्री शारदा जबलपुर नर्मदा प्रसाद मिश्र द्वारिका प्रसाद मिश्र सालग्राम द्विवेदी मासिक संरक्षक सेठ गोविंद दास छायावाद युग का श्रेष्ठ पत्र इसने 1920 में छायावाद संबंधित लेखमाला प्रकाशित पर छायावाद को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की। 1919 करमवीर जबलपुर माखनलाल चतुर्वेदी साप्ताहिक पत्रिका 1920 चांद प्रयाग रामरख सहगल चंडी प्रसाद महादेवी वर्मा साप्ताहिक बाद में मासिक। आगे है 1921 हिंदी नवजीवन अहमदाबाद महात्मा गांधी साप्ताहिक 1922 समन्वय कलकत्ता माधवानंद मासिक बाद में निराला द्वारा संपादित 1922 माधुरी लखनऊ प्रेमचंद्र 1923 मतवाला कलकत्ता निराला 1927 वीना इंदौर पंडित अंबिका प्रसाद मासिक श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य हिंदी में निकलने वाली पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन पत्रिका 1928 विशाल भारत मासिक बनारसीदास चतुर्वेदी अज्ञे श्री राम शर्मा मासिक पत्रिका 1929 सुधा लखनऊ दुलारेलाल भार्गव निराला ये मासिक पत्रिका 1930 हंस प्रेमचंद्र मासिक पत्रिका 1931 हिंदुस्तानी इलाहाबाद रामचंद्र टंडन हिंदुस्तानी अकादमी त्रैमासिक इलाहाबाद का मुखपत्र 1932 जागरण बनारस प्रेमचंद्र साप्ताहिक छायावाद का घोर समर्थक पत्र 1933 भारत इलाहाबाद नंदुराय वाजपेयी अर्ध साप्ताहिक 1937 साहित्य संदेह अग्रा बाबू गुलाब राय मासिक 1938 रूपाभ पंत मासिक 1943 हिंदी अनुशीलन प्रयाग धीरेन्द्र वर्मा त्रैमासिक भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग का मुखपत्र 1947 प्रत्येक इलाहाबाद अज्ञे द्विमासिक 1949 कल्पना हैदराबाद आर्यन्द्र शर्मा द्विमासिक 1950 धर्मयुग बम्बई धर्मवीर भारती साप्ताहिक 1951 आलोचना हिंदी शिवदान सिंह चौहान चार सदस्यीय संपादक मंडल धर्मवीर भारती रघुवंश राज ब्रजेश्वर वर्मा और विजय देव नारायण शाही नामवर सिंह ये त्रैमासिक पत्रिका थी। उन्नीस सौ तिरपन वसुंधरा जबलपुर राजेश्वर प्रसाद गुरु हरिशंकर परसाई मासिक प्रलेश का मुखपत्र मुक्तिबोध की रचनाएं पहली बार इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1953 नए पत्ते इलाहाबाद लक्ष्मीकांत वर्मा 1954 नई कविताएं इलाहाबाद जगदीश गुप्त अर्ध वार्षिक 1955 ज्ञानोदय कलकत्ता कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर मासिक पत्रिका थी। 1956 निकष इलाहाबाद धर्मवीर भारती साप्ताहिक 1958 कृति दिल्ली से नरेश मेहता श्रीकांत वर्मा 1958 श्यामालोचक अग्रा रामविलास शर्मा मासिक पत्र 1960 पहल जयपुर ज्ञान रंजन त्रैमासिक 1963 क ख ग इलाहाबाद रघुवंश त्रैमासिक 1964 माध्यम प्रयाग इलाहाबाद बालकृष्ण राव मासिक 1965 दिनमान हिंदी रघुवीर सहाय साप्ताहिक 1967 संचेतना दिल्ली महीप सिंह त्रैमासिक उच्च स्तरीय लघु पत्र 1968 समीक्षा पटना से देवेंद्र नाथ शर्मा गोपाल राय त्रैमासिक बाद में मासिक 1972 कथा इलाहाबाद मार्कंडे त्रैमासिक बाद में मासिक 1974 पूर्वग्रह भोपाल अशोक वाजपेयी मासिक 1976 साक्षात्कार भोपाल ज्ञानी त्रैमासिक मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल का मुखपत्र 1978 दस्तावेज गोरखपुर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 1981 अभिप्राय इलाहाबाद राजेंद्र कुमार 1981 समकालीन जनमत पटना इलाहाबाद रामजी राय 1984 वर्तमान साहित्य इलाहाबाद विभूति नारायण
मासिक। 1986 हंस पुनः प्रकाशन दिल्ली, राजेंद्र यादव मासिक। 1995 बागर्थ कलकत्ता, प्रभाकर क्षेत्रीय मासिक। 1995 साहित्य अमृत नई दिल्ली, पंडित विद्यानिवास मिश्र मासिक पत्रिका। 1957 कथादेश दिल्ली, हरिनारायण मासिक। 1999 तद्भव लखनऊ, अखिलेश्वर। 1999 अप्रैल जून में कसौटी पटना, नंदकिशोर नवल त्रैमासिक। 1999 अक्टूबर दिसंबर में बहुवचन वर्धा, अशोक वाजपेयी त्रैमासिक। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पत्र। 2000 कथाक्रम लखनऊ, शैलेंद्र सागर त्रैमासिक। 2000 परख इलाहाबाद, कृष्ण मोहन। 2001 अप्रैल जून में संधान इलाहाबाद दिल्ली, लाल बहादुर शर्मा त्रैमासिक। 2001 पुस्तक वर्धा राकेश श्रीमाल, महात्मा गांधी त्रैमासिक, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पत्र। 2002 नया ज्ञानोदय नई दिल्ली, रविंद्र कालिया मासिक, भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली का पत्र। 2007 वाक नई दिल्ली, सुधीर पचौरी त्रैमासिक। 2008 पाखी नोएडा उत्तर प्रदेश, अपूर्व जोशी मासिक। 2016 जनवरी मार्च पुस्तक संस्कृति नई दिल्ली, बलदेव भाई शर्मा NBT त्रैमासिक। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से आपको भारतेंदु से पहले की जो भी पत्र और पत्रिकाएं थी, एक और मैं वीडियो बना रखी हूँ आधुनिक काल के, और इस वीडियो में भारतेंदु से पहले और बाद की सभी पत्र और पत्रिकाओं के सन और ईस्वी को दिया हुआ है, उनके नाम, संपादक और पत्रिका कब कितने समय के बाद निकलती थी। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी जानकारियों को आपने प्राप्त की। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।